अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये क्लास फिफ्थ के मैथ का चैप्टर 1 शेप्स एंड एंगल्स है। तो आज हमें एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि मरियम और सायका शेप्स बना रही थी तो जब वो एक जैसी शेप्स बना नहीं पा रही थी तो अंजुम ने उनसे कहा कि चलो तुम एक दूसरे से एंगल्स के बारे में पूछो कि एक साइड दूसरे साइड से क्या एंगल बना रहा है। जैसे कि आप सपोज करें कि ये दो साइड्स जो हैं इसके बीच एक पर्टिकुलर एंगल बनता है। तो बच्चों, अगर हमें किसी चीज़ का एंगल पता लग जाए तो हम उस साइड को सेम बना सकते हैं। तो एंगल क्या होता है? द शेप बिटवीन टू लाइन्स और सरफेसेस दैट मीट इन डिग्रीज इज कॉल्ड एन एंगल। यहाँ पे डिग्रीज का मतलब हम बोल सकते हैं 90 डिग्री, 30 डिग्री वगैरह वगैरह। 90 डिग्री एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल, 90 डिग्री से कम को हम कहते हैं एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से ज़्यादा पर 180 डिग्री से कम एंगल को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। 180 डिग्री एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री से ज़्यादा पर 360 डिग्री से कम एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, 360 डिग्री एंगल को हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। अल्लाह हाफिज़।